कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए? ये क्यों? पहले तो ये क्या किस्म का क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा क्यों? और अगर पूछ ही रहे हैं तो बजाय एग्जाम्स में देने के सीधे जाके जो कश्मीर के लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? एक चीज है, एक एरिया है जिसको इंडिया अपना पार्ट बोलता है, पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर को, और इंडियन साइड तो इंडिया में इंटीग्रेटेड ही है। बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। भारतीय फौजियों ने आर्मी चीफ और भारतीय वजीर दाखला के अहकाम पर कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम उठाए। कुछ इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें जो हैं उन्होंने भी हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से अपने ही आइन का आर्टिकल 370 जो है इसको रिवोक करने का जो इकदाम है इसकी मजम्मत की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मजम्मत की है, आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि दोनों अतराफ के जो शहरी हैं उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब साहब, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल मैंने मुशाहिद साहब से भी किया था कि क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं? देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक प्रॉब्लम है लीगल, और वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट है उसके तहत वो ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी ममालिक अपना डिस्प्यूट लेके जाएंगे वो उसके आगे सरेंडर होंगे, सबमिट करेंगे कि जो फैसला वो देगी अदालत उसको वो तस्लीम करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल पर। आज पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि अगर हमने इंडिया से कश्मीर लेने की कोशिश की तो इंडिया हमें चीर डालेगा, और इंडियन आर्मी पाकिस्तान का ऐसा हाल करेगी कि पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आज पाकिस्तान पूरी तरह इंडियन आर्मी और मोदी जी से इस टाइम डर चुका है। तो आइए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान जो बार बार बोलता है कि आप पाकिस्तानियों की राय पूछिए, पाकिस्तानियों की ओपिनियन पूछिए, सॉरी कश्मीरीज की ओपिनियन पूछिए, कश्मीरीज की ओपिनियन जो पूछनी है पाकिस्तान ने खुद ही पूछ ली होती अपने साइड से। और उन्हें अगर आजादी दिलवाने का कश्मीर को इतना ही शौक था तो कश्मीर तो पहले ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, 1947 में वो इंडिपेंडेंट था, उसको इंडिपेंडेंस से किसी और कंट्री के अंडर लाने का काम तो पाकिस्तान ने किया, वरना वो इंडिपेंडेंट था उस पर अटैक करने का क्या मतलब बनता था। तो कश्मीर की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है, जब अटैक करके अपने अंडर लेने की कोशिश की गई, हमारे पास तो खैर वो मर्ज हुआ, साइन है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो खुद हमारे पास आया, वहां से तो एग्रेशन हुआ था। दूसरी चीज कि अगर पाकिस्तान को आजादी दिलवाने की प्लानिंग हो, सॉरी अगर कश्मीर को आजादी दिलवाने की प्लानिंग होती पाकिस्तान में कहीं, तो अपने हाथ में था, अपना एरिया था, कभी भी दिलवाई जा सकती थी, इसका मतलब आजादी तो कोई देना नहीं चाहता। जनरल साहब, कश्मीरियों पर जो भारतीय मजालिम, इसकी मैं बात करना चाहूंगी, तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए कि लंदन की जो कानूनी फर्म है उसने बरतानवी पुलिस को बाकायदा दरख्वास्त लिख दी और कह दिया है कि जी मकबूजा कश्मीर में जो जंगी जराइम मुलविस होने पर जो भारतीय आर्मी चीफ हैं और वजीर दाखिला हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे आप? अभी भी ये होश के नाखून नहीं लेंगे? अभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे? अभी भी इनके जुल्म का सिलसिला नहीं रुकेगा? जी देखें, इनकी तो शर्मिंदगी किसी भी तरीके से नहीं रुकती। आपको पता है कि जब इनके जहाज गिराए गए और पायलट वापस किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने धौंस से वापस ले लिया है। और जब इनकी इनकी मेन मीडिया आपको ये बता रहा था कि पांचवी मंजिल पे आईएसआई का बंदा बैठा हुआ है वहां पर, जबकि मंजिलें तीन तीन समार, ये बहुत ढीठ है, ये आराम से शर्मिंदा होने वाले नहीं। लेकिन इस केस में मेरा ख्याल है एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है, इसलिए कि एक थर्ड कंट्री की तरफ से आया है तो लिहाजा उसका वेटेज ज्यादा होगी। जी जी। लेकिन थोड़ी सी शर्मिंदगी हमारे लिए भी है कि ये सिर्फ डोजियर देना काफी नहीं होता, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस देना होता है, किसी कोर्ट में जाना होता है। कहीं ना कहीं हमने उसको एविडेंस दे दिया, उसको एविडेंस दे दिया, ठीक है बड़ा अच्छा काम किया होगा, लेकिन जब तक आप कोई मुकदमा दायर ना करें और जब तक उसके लिए शाहिद आप मुहैया ना करें उस वक्त तक तो काम नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि इनकी मावनत करनी चाहिए पाकिस्तान को जितनी हो सकती है जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, और जो हमारे पास सबूत हैं वो भी उनको दें ताकि सारे सबूत इकट्ठे होकर उनके, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम पार्टी ना बने। इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पॉस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर, याद रख लीजिए मेरी बात। सर, वी आर नॉट डिफेंसिव। सर, हमने फरवरी में उनको मार गिराया, हमने एलओसी पे उनके जवानों को टारगेट किया, हमने एलओसी पे एक एक हिंदुस्तान के एक्शन का रिस्पांस दिया, हमने सफारती तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान ने किया हमने उसका रिएक्शन दिया, हम कहीं पीछे नहीं हटे।
तो हर पॉइंट पे हम कश्मीर के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सामने हैं। इस मौके पर आकर फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोदी नहीं मान रहा सर। मोदी को आज भी मुस्लिम उम्मा अवार्ड दे रही है, मोदी को आज भी ट्रंप फोन करके उसे कर्फ्यू हटाने की बात नहीं कर रहा। ही इज इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन सर। देखिए आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हा ही इंडिया को मार के ठोका है। मतलब मेरा लौड़ा। सुबह होते ही भारतीय आईन में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने की खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। आजादी की कदर व कीमत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से पूछनी चाहिए जो भारत के जुल्म और जबर का शिकार है। अब तो हमारी नौजवान नस्ल ये भूल गई है कि मसला कश्मीर है क्या। उसे न तो कश्मीर की सुबह बे नूर के बारे में कुछ पता है और ना ही उसे वादिय जन्नत नज़ीर की शाम गरीबा के बारे में कुछ खबर है। हसीन वादियां, बर्फ से ढके और हैबत जावेदानी बुलंदो बाला पहाड़, मोतर मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, घने जंगलात, बहते दरिया, शोर मचाते झरने, झाग उड़ाती नदियां, तारीखी और सकाफती वरसा, मुनफरिद रिवायात, मुख्तलिफ अनवा के हयातियात और नबातात, कुदरती खूबसूरतियों और मनाजिर से माला माल वादी कश्मीर के लिए बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि अगर ज़मीन में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। शायद हमारी नौजवान नस्ल ये जानती हो कि पिछले 70 सालों से इस ज़मीन पर आखिर हो क्या रहा है। अफजल गुरु से लेकर बुरहान वानी जैसे नौजवान आज़ादी के लिए क्या कर गुजर गए, लेकिन मैं मुजरिम हूँ उस कश्मीर की कि मैं मुजरिम हूँ आपकी कि आप लाशें उठाते रहे। हम उम्मीद में रहे कि शायद ये आहें आलमी बिरादरी तक पहुंच जाएं, शायद बुज़दिल भारत अपने नीचपन से बाज आ जाए, शायद भारत की मीटू मुहिम पर बड़ी हसासियत दिखाने वाली बॉलीवुड को कश्मीरियों के दर्द का एहसास हो जाए। लेकिन नहीं, ये बेहिस, बेजमीर और इंसानियत के एहसास से आरी कौम कश्मीरियों के दर्द को नहीं समझने वाली। आज जो कुछ हुआ है ये पिछले 70 सालों की किसी भी चढ़ाई से बड़ी चढ़ाई है। ये जो हो रहा है ये क्लस्टर बमों और पैलेट गन से बहुत बढ़कर हो रहा है। ये इंतहा पसंदी की इंतहा है। मोदी, तुम एक छोटी सोच के बड़े मनसब पर बैठे हुए आदमी हो और तुम्हारी सोच की तर्जुमान तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारी बुज़दिल फौज और तुम्हारी आवाम का एक बड़ा तबका भी है। लेकिन मोदी, अब यही वाकया तुम्हारी बर्बादी लिखेंगे, कश्मीरियों की आज़ादी लिखेंगे और हिंदुस्तान की तबाही लिखेंगे। चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, ये जो हम लड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो कुछ हमने किया, इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप मिस कर रहे हैं, जिस पर आपने गुफ्तगु शुरू की थी अपनी, कि 50 लाख कश्मीरी पिछले 21 दिन से कर्फ्यू में हैं, भूखे और प्यासे मारे जा रहे हैं। तीसरी चीज, कश्मीर की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ऐसी लोकेशन है कि ऊपर चाइना पड़ता है, एक साइड अफगानिस्तान है, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड इंडिया। आप उस ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हर बड़ी पावर कोशिश करेगी कि हमारा वहां पर प्रेजेंस हो।